हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज था कुछ बाहर से खाने का मन, क्योंकि मन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए बाहर की थोड़ा सा ये बर्गर वगैरह ये कुछ चीज़ें जो है ना खाने को बहुत ही मन कर रहा था, तो मैंने कहा था इससे ले आ। तो ये देखो, ये लेकर आया है और कैसे मुझे खिला रहा है, और बातों ही बातों में ये भी कह रहा है कि जो है इसे खा के देखो और मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो कैसी फनी वीडियो लग रही है देखिएगा। देखिएगा किस तरीके से बर्गर खाने के लिए मैं मुंह खोल रही हूँ। और ये देखिए, ये भी लेकर आया है पेटीज, और मुझे तो खैर नहीं पसंद, बर्गर पसंद है, तो बस ये इसलिए लाया था कि बाहर की चीज़ें वैसे तो नहीं मतलब अभी खानी चाहिए थी, लेकिन ये था कि मन थोड़ा सा अलग टेस्ट मांग रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बनाने की हिम्मत तो कुछ है नहीं स्पेशल सा, और इसीलिए बाहर का थोड़ा सा मंगा लिया था। तो देखिए, अपने लिए लाया है ये इसको और बर्गर, क्योंकि ये खाना खाएगा नहीं, बस इसका तो हो गया। और ये देखिए, यहाँ पर जो है दोनों चीज़ इसने बिल्कुल सजा के रख दी है, और अब मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप खाओ और मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं ये देखिए, और मैंने फाड़ के मुँह, मैंने सोचा कि थोड़ी सी बनाएगा ये, और अब बनाया जा रहा है, मैं मना कर रही हूँ इससे, और ये बनाया ही जा रहा है, और फिर मैं इसको धीरे धीरे बोल रही हूँ कि मत बना मत बना। और ये देखिए, ये लगा हुआ मुझे बारीकी से अच्छे से दिखाने की तरह से, और वाकई में ये बहुत टेस्टी है, और आप लोगों को नहीं खिला पा रही हूँ इसका मुझे बहुत बहुत मतलब अफसोस है, मतलब दुख भी है कि हाँ आपको दिखा रही हूँ और आपको खिला। तो ये देखिए, अब ये डिब्बे दिखा रहा है। बच्चे एडिटिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो उनके कुछ तरीके अलग ही तरीके के होते हैं। तो देखिए क्या दिखा रहा है आपको, नाम और ये देखिए, ये आपको अब मैं यहाँ पर पी रही हूँ जूस अगले दिन, तो इसका मन जो था मुझसे कह रहा था कि लाओ मैं इसकी भी वीडियो बनाता हूँ और सबको दिखाऊंगा कि मम्मी बर्गर कितने टेस्टी से अच्छे से खाती है, टेस्ट लगा मतलब ले लेके खाती है, और जूस पीने में कितने नखरे दिखाती है। और ये जूस मुझे वाकई में बहुत बुरा लगता है, और जो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है या मैं इसमें बर्फ़ डाल लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन वो मुझे डालने नहीं देता,
और मैं डाल रही थी कम, तो उसने फिर मेरा ग्लास भर दिया है। और अब कह रहा था कि मैं सभी को दिखाऊंगा कि ये देखो बर्गर खाने के लिए कितनी खुश होती है और जूस पीने के लिए किस तरीके से करती हैं। और तो बच्चे इसी तरीके से करते हैं, हम जब पास में रहते हैं बहुत ध्यान से मतलब रखते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है कि मैं किस तरीके से पी रही हूँ। आज मैंने खाने में क्या बनाया है, और ये जो खाने का मैंने आपको दिखा रही हूँ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वही गर्मी का बहुत बुरा हाल है। किस किस तरीके से मैं खाना बना रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम तो सभी को हो रही है लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कटहल की सब्ज़ी बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और अब कटहल मतलब का एंड ही हो रहा है क्योंकि पकी हुई आ रही है। तो आज मुझे कुछ अच्छी सी कटहल दिखाई दी, बेचने वाला आया हुआ था तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो बना दी हूँ क्योंकि फिर पता नहीं कैसी मिलती है नहीं मिलती है, फिर सीज़न भी इसका मतलब वो होने वाला है क्योंकि आ रही है लेकिन पकी हुई कटहल आ रही है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, और जो चीज़ बच्चे खाते हैं ना तो उसको बहुत प्यार से बनाने को मन करता है।